हम सभी दिन में कम से कम एक बार अपनी मैजिकल दुनिया में जरूर खो जाते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें इमेजिन करने लगते हैं जो लगभग नामुमकिन होती है, लेकिन हमारे इमेजिनेशन की दुनिया की एक सबसे बड़ी चीज आगे चल के सच होने वाली है, टेलीपोर्टेशन, जिसे आम भाषा में एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर जाना कहते हैं, और यही हमारे आने वाले भविष्य की रियलिटी बन सकती है। लेकिन टेलीपोर्टेशन को सफल करने के लिए हमें कुछ सवालों को हल करना पड़ेगा और कुछ चीजें बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही टेलीपोर्टेशन की दुनिया हमारे लिए खुल जाएगी। तो चलिए देखते हैं उन सवालों को और जान लेते हैं टेलीपोर्टेशन की मिस्ट्री को। टेलीपोर्टेशन की सबसे मजेदार बात यह होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं, फिर चाहे वो दूसरी जगह दूसरे प्लेनेट पर ही क्यों ना हो। लेकिन टेलीपोर्टेशन किया कैसे जाता है, जानते हैं बेहद ही सरल भाषा में। मान लेते हैं कि आपको किसी दूसरी जगह पे जाना है जो आपसे लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो टेलीपोर्टेशन की साइंस ये कहती है कि सबसे पहले आपके शरीर के सारे एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी उन्हें डीमेटलाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिस जगह पे आप जाना चाहते हो वहाँ पर फिर से उन एटम्स को रिमेटलाइज करना पड़ेगा, और बस टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के अनुसार हमारे पूरे ब्रह्मांड में हर एक पार्टिकल आपस में इंटरलिंक होता है, मतलब सभी आपस में जुड़े होते हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक अगर किसी जगह पर एक पार्टिकल की संरचना में अगर बदलाव हो जाता है तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे पार्टिकल पर भी इसका इफेक्ट हो रहा होता है। इस थ्योरी के चलते हम ये मान सकते हैं कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, और इसी तकनीक को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने दुनिया में ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं जहां सही में टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुल बनाया गया है। और जिस पर पहले टेलीपोर्टेशन का प्रयोग किया गया था वो एक फोटोन पार्टिकल था। फोटोन सामान्यतः वह पार्टिकल्स होते हैं जिनसे प्रकाश बनता है। बहुत सारी लैब्स में 15 किलोमीटर तक फोटोन पार्टिकल्स को टेलीपोर्ट किया गया है। लेकिन इसके उपरांत 2012 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया था, जब उन्होंने इन फोटोन पार्टिकल्स को 143 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट किया था। फोटोन पार्टिकल्स हम इंसानों से लाखों गुना छोटे होते हैं, उन्हें हमने सक्सेसफुली टेलीपोर्ट कर दिया है। लेकिन क्या इस टेक्निक का यूज करके हम इंसानों को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी चीज को टेलीपोर्ट करना होगा तो हमें उस चीज के एटम्स को डीमेटलाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम इंसानी शरीर के एटम्स को डीमेटलाइज करने की बात करें तो फिलहाल ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे पास उतनी आधुनिक तकनीक फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन इसके विपरीत और एक तकनीक पर वैज्ञानिकों का सोच विचार जारी है। हमारा जो शरीर है वो अरबों गीगाबाइट्स का बना हुआ है, और टेलीपोर्ट करने के लिए हमें हमारे शरीर के सारे एटम्स को पहले एंटेंगल करना पड़ेगा, फिर उन्हें डिजिटल करना पड़ेगा ताकि हम उन्हें आसानी से ट्रैवल करा सके। इस प्रोसेस में दो बातें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही दो बातें आज के समय में टेलीपोर्टेशन को इम्पॉसिबल बनाती है। पहला, जब हम टेलीपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे तब हमारे बॉडी के हर एक एटम्स को हमें नियंत्रण में रखना होगा, जिससे हम उन एटम्स को डिजिटल ट्रैवल करा सके। और दूसरा, जहां हम टेलीपोर्ट करेंगे वहां हमें उन सारे एटम्स को वैसे ही अरेंज करना होगा जैसे वो हमारे बॉडी में पहले से थे, और यही दो बातें टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुल बना सकती है जो फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात आपको टेलीपोर्टेशन को लेकर एक्साइट जरूर कर सकती है, होलोग्राम। ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, और यही टेक्नोलॉजी भविष्य में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी में होलोग्राम की कंसेप्ट को जरूर देखा होगा। होलोग्राम में हम किसी भी चीज को 3D में देख सकते हैं। होलोग्राम आपके सामने एक भ्रम पैदा कर देता है, जैसे कि वो चीज आपके सामने रियल में मौजूद है, लेकिन असल में वैसा नहीं होता। होलोग्राम की टेक्नोलॉजी कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। सन 1947 में ब्रिटिश वैज्ञानिक डेनिस गैबर ने होलोग्राम का आविष्कार किया था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा विकसित होती गई, और आज होलोग्राम को एक आधुनिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। होलोग्राम असल में एक विजुअल इल्यूजन होता है। आपने कई बार ये देखा होगा कि जब हम टॉर्च का फोकस सीधे दीवार पर करते हैं तो आपके पीछे भी हल्का उजाला हो जाता है, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं और वे कुछ हद तक रोशनी फैला देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लाइट के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करके उसे बाद में 3D में प्ले कर सकते हैं। यदि होलोग्राम की टेक्नोलॉजी और भी डेवलप हो जाती है तो जैसे हम आज वीडियो कॉल करते हैं वैसे ही हम आगे चल के होलोग्राम कॉल भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल संभव है। जापान, चीन, USA जैसे विकसित देशों में होलोग्राम की टेक्नोलॉजी का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसी के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में होलोग्राम टेलीपोर्टेशन की दुनिया में हमारा सबसे पहला कदम हो सकता है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको टेलीपोर्टेशन से रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को गहरी सोच में डाल देगी।
क्वांटम एंटेंगलमेंट के अनुसार ब्रह्मांड की हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई होती है। तो जब हम टेलीपोर्टेशन करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो जो बीच का समय होगा वो शायद बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वही थोड़ा समय आपको अलग ही टाइम जोन में ले जा सकता है। जैसे हमने टाइम ट्रेवल की वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम की जरूरत होगी, वैसे ही हमारे पास टेलीपोर्टेशन करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम का होना आवश्यक होगा, वरना आप दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने के बजाय दूसरे टाइम जोन में ही टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो मिस्टरियस वीडियोस की इस जर्नी में आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसे लगी ये अपनी वैल्यूएबल कमेंट देके जरूर बताना। शायद और भी मिस्टरियस वीडियोस आपके स्क्रीन पर अभी आ रही होंगी, तो जल्दी से उन्हें क्लिक कीजिए। हम जुड़ते हैं उस वाली वीडियो में।